अंदर बेंच सर आज आपकी विदाई समारोह यहाँ से है, लोग भाव विभोर हो उठे हैं। हमने देखा कि उनके बहुतों के आंख में आंसू भर गए हैं। इस प्रेम के आंसू को देख करके आप क्या बताना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको यहाँ जाते हुए? हमको छोड़ने का गम जरूर है, लेकिन उनका स्नेह हमें हमेशा याद रहे जी। नहीं, अब आप जाते जाते अपना अनुभव बताते जाइए ताकि ये लोग आगे चल करके उसी रास्ते पे चल करके काम कर सके। ये लोग जो है इन लोगों के बीच हम रहे और हम जो भी कुछ करते रहे हमारे साथ बाकी लोग भी साथ में रहे, इसलिए ये लोग सारी चीजें हैं, हमारे गुण अवगुण भी जानते हैं और उस दिशा में ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। जाते जाते इनके लिए क्या मार्गदर्शन है आपकी तरफ से? जाते जाते मार्गदर्शन यही है कि अपने कर्तव्य पथ पर जो है हमेशा अटिक रहे, कर्तव्य पथ से विचलित न हो। जैसा कि मैं आगे बढ़ता रहा अपने कर्तव्य पथ पर, उसी तरह से ये लोग भी कर्तव्य पथ पर ही आगे बढ़ रहे। अवकाश प्राप्त किए हैं सर? जी हाँ, मैं इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और हमारे विभाग, मेरा नाम दीपक प्रकाश वर्धन है और मेरे विभाग अध्यक्ष जो है हमारे इतिहास विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नारद सिंह जी की आज सेवानिवृत्ति हुई है और लगभग 14 साल तक हम लोग एक साथ यहाँ पर रहे और इसके पहले हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नारद सिंह जी जीवी कॉलेज रामगढ़ में थे। तो आज इनकी विदाई समारोह, आज इनका विदाई समारोह है। आज 30 नवम्बर को ये सेवानिवृत्त हुए और इस विदाई समारोह का आयोजन हुआ और इतिहास विभाग के प्रति इनकी सेवाएं अप्रतिम हैं और बहुत समर्पित भाव से इन्होंने इतिहास विभाग में कम शिक्षकों के रहते हुए बावजूद इन्होंने और मैंने जो है और इनकी प्रेरणा से हम लोगों ने जो है मिलजुल करके यहाँ पर काम किया और लड़कों के कोर्स को पूरा कराने का काम किया समय पर और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व इनका रहा है। और इस तरह से पहले यहाँ एक शिक्षक के रूप में थे लेकिन जो 3 साल से इन्होंने यहाँ पर विभाग अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है, समन्वयक के पद पर रहे और साथ ही एक मुफस्सिल कॉलेज के आप सबसे स्मार्ट शिक्षक के रूप में विख्यात हुए। आपको महाविद्यालय में शिक्षक संघ का उपाध्यक्ष का पद प्राप्त हुआ। 17/8/2005 को आपको एक ग्रामीण महाविद्यालय से सीधे स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया जो आपके मेधा को प्रदर्शित करता है और 9 अंगीभूत महाविद्यालय की श्रेणी में स्नातकोत्तर में आने वाले आप पहले शिक्षक थे। इतिहास के साथ साथ आपका खेल कूद से भी लगाव रहा है क्योंकि आप विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर क्रिया परिषद के संस्थापक सचिव रहे। आपने चालुक्य वंश पर एक किताब लिखी जो प्रकाशित है तथा राजा राम मोहन राय दूसरी किताब बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पटना से प्रकाशन की प्रक्रिया में। यह बात आपके सृजन क्षमता को परिलक्षित करता है। इससे आपको प्रोफेसर 2004 से बनने में आसानी हुई। साथ ही विश्वविद्यालय ने आपको 26/9/2017 से इतिहास विभाग का विभागाध्यक्ष का पद सौंपा। यहाँ भी आप स्नातकोत्तर शिक्षक संघ में उपाध्यक्ष के पद पर रहे। विश्वविद्यालय शिक्षकों की ओर से महाराज जी एक बार मान लो फंस गए हैदराबाद से हाँ।
सुना दीजिए।